आप जो जांच का आदेश दिए थे, एसआईटी गठित किए थे पेपर लीक में, उसमें काम हो रहा है क्या, आप उससे स्पीड से सेटिस्फाइड हैं या आप कहेंगे कि नहीं पेपर लीक का और तेजी से जांच हो? देखिए, एसआईटी गठित के वो अपना काम में लगे हैं और काम में लगे हैं, कुछ प्रोग्रेस भी होते जा रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी और आगे और कुछ प्रोग्रेस करेंगे। काम का जब लोग शुरू किया है और अच्छा कामकाज, जैसे पिछले दिन पलामू गढ़वा भी जो जो योजना जिस सोच के हमारी सरकार गठबंधन की सरकार जो योजना बनाया कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाओ, कृत्रिम पे सिंचाई की व्यवस्था, उस सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेमंत बाबू भी वही सब योजना तैयार करने को कहा के गया, इसी रोज सारा योजना को भी तेजी से हम लोग उतरना शुरू कर दिया। दादा, फिर 3 दिन का रिमांड मिल गया हेमंत जी का, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या जो 14 दिन का लिमिट है ना, उसे आप वो लोग का ईडी का बारे में आप पूरा ना जानकारी है ना मुझे जानकारी है, सब सुन के ही हम लोग बात करते हैं। हम तो पहले भी कहे आज भी कहेंगे, हेमंत बाबू का कोई खाता बही में नाम नहीं है, क्यों इतना पूछ रहा है आज, जो कि हम लोग को सारा चीज़ तो पता नहीं है कैसे उसको बोलेंगे, इसीलिए उस बारे में क्या बोलेंगे, पहले भी बोल चुका है। दादा, 8 दिन का आप लोग मात्र ये बजट सत्र ला रहे हैं, पहली बार होगा, आपके मित्र हैं जमशेदपुर से सरयू राय, भले आपको वोट नहीं दिया आपकी सरकार को, लेकिन क्या 18 दिन का होना चाहिए, सरकार को लेटन करके मत पास कराए, चर्चा करें तब खर्चा करें, वो भी नियम संगत के बीच में कर रहे हैं हम लोग, समय परिस्थिति पर उस तरह से किया जाता है ना। और क्योंकि सामने हम चुनाव भी है, सरकार बनाते हम लोग तो समय लगा, उधर समय हम लोग को नहीं लग रहा है कि और हम लोग को समय मिलेगी, इसीलिए हम लोग अपना शॉर्ट में हम लोग तय किया। मंत्रिमंडल का क्या होगा सर, क्योंकि वो तो हम तो बोल चुका है 16 तारीख को हो जाए, एज इट इज रहेगा या कुछ चेंज करेंगे चंपईदा अपने ये भी बोलने से तो सब खत्म, उसी दिन आप देखिएगा तब ना आपको मजा आएगा, मतलब चेंज हाँ या ना बस ऐसे नहीं, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है, आपको उसी दिन सुनने से आपको अच्छा लगेगा पंडित जी। सर, आपकी योजना, आपकी सरकार का 2 चरण हो गया, 2 चरण में करीब 3.5 लाख आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, समय सर जैसे 11 महीना बचा हुआ है, अभी फिर कल हम जा रहे हैं दुमका, दुमका में हम वही प्रोग्राम हम करने जा रहा, अब वो आवास वाला वो अभियान अभी रुका नहीं है, हर जगह अभी चालू, कोई कहीं कमी नहीं है, चलिए। लेकिन सर, बहुत जगह से शिकायतें आ रही है, अब वो आवास आपके बगल में विधायक जी हैं, वहाँ बरही में भी शिकायतें लोगों को कि जरूरतमंद आदमी तक ना पहुंच के ग्राम सभा के मार्फत ना चाहिए। हमने कह दिया कि अगर कोई विसंगति है, अगर विसंगति जानबूझ करके कोई किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी अफसर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।